नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में आपका। कंपेयर करते हैं XUV300 के नीचे वाले दो वेरिएंट्स W2 और W4 को। ब्लैक में आपके W2 है और व्हाइट में एवरेस्ट व्हाइट कलर दोस्तों की ये W4 है। अगर पेट्रोल की बात करें तो 1197 सीसी का इंजन मिलता है, 3 सिलेंडर का, 109 bhp पावना था, 200 न्यूटन मीटर की टॉर्क रहती है। वहीं डीजल के लिए जो टॉर्क बहुत ज़्यादा है 300 न्यूटन मीटर, सेगमेंट के हिसाब से कोई भी कंपटीशन नहीं है। और जो bhp हो रहेगी 115 bhp दोस्तों। अब जानते हैं नज़दीक से कि 65,000 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा डिमांड करता है W4 वेरिएंट W2 के मुकाबले, उसमें वैल्यू क्या मिलती है आपको। अगर फ्रंट फेशिया की बात करें दोनों ही गाड़ी एक्जैक्टली सेम मिलता है, कोई भी चेंज नहीं है, कोई फीचर वगैरह एक्स्ट्रा प्लस माइनस नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में एक्जैक्टली हेडलाइट वगैरह सेटअप सेम टू सेम मिलेगा आपको। हैलोजन हेडलाइट मिलते हैं, रिफ्लेक्टर के साथ उसी हाउसिंग इंडिकेटर बल्ब रहेगा। बड़ा बेहतरीन सा लोगो है नए वाला बटरफ्लाई शेप का, 12 का ही बोला जाता है इसको। यहाँ एक सिल्वर फिनिश में आपको स्टेप भी दे रखी है, ये देखिए एक्जैक्टली सेम रहेगी W2 वेरिएंट में भी, कोई फर्क नहीं है। अगर स्टीलियम की बात करें या टायरों की साइज की बात करें तो एक्जैक्टली सेम प्रोफाइल के मिलते हैं दोस्तों, कोई भी फर्क नहीं है। 16 इंची रहेंगे ये, बेस ले लीजिए या बेस से ऊपर ले लीजिए। फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर आपको दोनों वेरिएंट्स में एज इट इज मिलते हैं, यहाँ पर भी चेंज नहीं है। और बॉडी कलर में ओआरवी मिलते हैं, ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे। ए पिलर जो कि ब्लैक गाड़ी है तो ब्लैक है, अगर वाइट लेंगे तो भी आपको ब्लैक ही मिल रहा है, तो ए पिलर ब्लैक आउट मिलता है आपको एक फ्लोटिंग टाइप का इफेक्ट देने के लिए। अब एक जबरदस्त जो चेंज है वो क्या है दोस्तों, W4 से आपको सनरूफ मिलने लग जाती है। बहुत सारे जो कस्टमर है उसकी पहली पसंद होती है सनरूफ, इसलिए W4 वेरिएंट उसके लिए बनता है। और साथ में एडिशनल बेनिफिट क्या है दोस्तों, प्रैक्टिकलिटी बेहतर हो जाती है आपको। क्या मिलती है, ये रूफ रेल, और ये 50 kg तक का लोड इसके कैरियर के माध्यम से इसके ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। ऐसी W2 में आपको कोई भी चीज़ देखने को मिलेगी नहीं। पीछे से टेल लाइट वगैरह वो एक्जैक्टली सेम मिलते हैं आपको ईगल पीक शेप में। ये वाला पार्ट ब्राइट अप होगा, बस आपका ये कम ब्राइट अप होता है दोस्तों, मतलब ये पीक जो है ये नहीं ब्राइट अप होती है। टॉप मॉडल में ये भी ब्राइट अप होती है, लोअर वेरिएंट्स में यहाँ पर ब्रेक लाइट मिलती है LED आपको, यहाँ इंडिकेटर के लिए, माफ कीजिए, यहाँ इंडिकेटर के लिए मिलता है, यहाँ रिवर्स गियर के लिए हैलोजन बल्ब मिलते हैं। बड़ी बेहतरीन तरीके से फिनिशिंग वगैरह दी गई है इसमें। अब ये W4 जो है आपका, और बाकी फीचर्स वगैरह इसमें नहीं देखने को मिलेंगे आपको, सिर्फ पार्किंग सेंसर और मिलते हैं, वाइपर वाशर कैमरा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। अगर W2 की वारंटी बात करें तो पीछे जो है एक्जैक्टली सेम फीचर्स मिलते हैं, W2 W4 में कोई भी फर्क नहीं है, देख लीजिए आप, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, ना ही कुछ कम किया गया है। डिफोगर वगैरह भी नहीं मिलता आपको इन दोनों वेरिएंट्स में, ये चीज़ जरूर रहेगी। अब 257 लीटर का जो बूट स्पेस है दोस्तों, अच्छी बात यह कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है आपको, तो ओपनिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी, बेस मॉडल से ही ठीक ठाक प्रैक्टिकल है दोस्तों। बहुत बड़ा तो नहीं है ये सीट फ्लैट फोल्ड होती है आपकी, तो ये भी एक एडिशनल चीज़ है। और W2 में आपको यहाँ टेम्परेरी यूज़ के तौर पर स्पेयर व्हील मिलता है, जिसके ऊपर स्पीड लिमिट भी लिख रखी है 80 की, तो ये चीज़ रहने वाली है। और W4 की अगर बात करें तो वहाँ पर भी बटन दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको, और सेम टू सेम चीज़ें मिलेंगी। ये भी फ्लैट फोल्ड होती है सीट आपकी स्टोकर के माध्यम से, और मल्टीपल स्टेप पे आप बोर्ड को देखिए ऊपर रखा हुआ है बोर्ड, तो यहाँ पे लोडिंग लिप आपकी काफ़ी कम रह जाती है, तो ऐसा है। और ये नीचे रहे आपका क्या स्पेयर व्हील। अब इंटीरियर की बात करते हैं तो W2 में जो है पीछे वाली सीट की अगर बात करें तो सभी पावर विंडो मिलती हैं आपको एल्यूमिनेटेड, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। ब्लैकआउट डोर ओपनिंग हैंडल मिलेंगे, बोतल वगैरह बैठने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से स्पेसिंग वगैरह दी गई, डुअल टोन का इंटीरियर मिलेगा ब्लैक विद बेज, तो सीटें जो काफ़ी कंफर्टेबल है दोस्तों। जो बेसिक सेफ्टी फीचर है सभी मिलेंगे आपको बेस मॉडल से ही, चारों में डिस्क की बात करें ABS EBD, और साथ में स्टेबिलिटी कंट्रोल अगर बात करें कॉर्नरिंग वगैरह का वही मिलता है, आइसोफिक्स साइड माउंट्स वगैरह सब मिलते हैं। 5-स्टार रेटिंग है दोस्तों एडल्ट के लिए और 4-स्टार है आपकी चाइल्ड के लिए। अगर बात करें अंडर थाई स्पेस की तो 6 फुट तक का बंदे को मेरे हिसाब से ना ही नीरूम की परेशानी होगी, ना ही अंडर थाई स्पोर्ट की कोई परेशानी रहने वाली है। फ्लोर हम भी ना के बराबर है दोस्तों, तो 3 बंदे साइड बाय साइड बैठ सकते हैं, जो कि गाड़ी की विड्थ बहुत अच्छी है, आप देखिए कितने बेहतरीन तरीके से सीटों का लेआउट है। अब पीछे W2 की अगर बात करें तो कोई चार्जिंग सॉकेट वगैरह किसी प्रकार का कोई बीच में एक्सेसरी सॉकेट भी नहीं मिलता आपको, किसी प्रकार का मैगजीन होल्डर वगैरह नहीं मिलता है। एक ही लैम्प मिलेगा यहाँ पर बीच में येलो बल्ब के साथ। इसी चीज़ को अगर कंपेयर करें, एक चीज़ और बता दूँ उससे पहले, जो पीछे वाले एड्रेस है फिक्स रहेंगे। अगर W4 की बात करें दोस्तों तो W4 में ये चीज़ें एग्जैक्टली सेम रहने वाली हैं, डोर वगैरह इसमें कोई भी चेंज नहीं है, जो सीटें वगैरह फैब्रिक सेम टू सेम है, फिक्स यहाँ पर मिलते हैं एड्रेस आपको, और मैगजीन होल्डर वगैरह यहाँ पर मिसिंग है। कहने का मतलब ये दोस्तों, पीछे वाली सीट का जो एक्सपीरियंस है कॉपी पेस्ट रहने वाला है, कोई फ़र्क नहीं है। ये सेम रीडिंग लैंप वगैरह मिलता है यहाँ पर भी आपको, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक ही मिलता है। अब फ़र्क शुरू होते हैं आगे से, पहले W2 दिखाते हैं आपको। तो मैनुअल सेंटर लॉकिंग मिलती है इन दोनों वेरिएंट्स में, जो कंपेयर कर रहा हूँ W2 और W4 में, तो रिमोट वाली चाबी नहीं मिलेगी दोस्तों आपको। सभी पावर विंडो, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आपके ओआरवी मिलते हैं बेस मॉडल से ही। कटआउट दे रखा है स्पीकर्स के लिए, लेकिन मिलेंगे नहीं आपको। ये स्पेस देखिए कितना शानदार मिलता है। जो ड्राइवर सीट है वो सिर्फ बैकरेस्ट के लिए एडजस्टेबल, हाइट के लिए नहीं। यहाँ से फ्यूल कैप को ओपन कर सकते हैं आप, पेडलों के बीच की स्पेसिंग ठीक है दोस्तों, लेकिन डेड पेडल आपको बिल्कुल छोटा सा मिलता है कोने में, ये चीज़ की कमी रहने वाली है।
हुड यहाँ से ओपन होगा आपका। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर। ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट कस्टम मिलता है आपको बेस मॉडल में दोस्तों। बेस मॉडल से आपको टायर प्रेशर मोनिटरिंग सिस्टम वगैरह मिलता है और ग्राफिक के माध्यम से एग्जैक्ट बताती है गाड़ी कि कहाँ पर क्या चीज़ ओपन। अभी बूट ओपन है तो देखिए ब्लिंक कर रहा है वो। ये स्टेयरिंग के मोड्स वगैरह आपको देखिए कंफर्ट अभी नॉर्मल, ये इसके माध्यम से होंगे दोस्तों बटन दे रखा है। स्टेयरिंग व्हील पे कोई कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता है। टिल्ट एडजस्टमेंट को सपोर्ट करता है ये। और जो चाबी है वो ऐसी रहने वाली है देखिए, दोनों ही आपकी ऐसी डमी रहने वाली है। फ्लिप की जरूर मिलती है लेकिन आपको हेडलाइट लेवल करने के लिए यहाँ पे एक टॉगल दे रखा है। एडजस्ट स्टार्ट का बटन है। हेडलाइट ऑन करने के लिए ये स्विच है। वाइपर वाशर के लिए ये रहेगा। बिल्कुल बेसिक सा म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है आपको, तो खाली दिखाई देगा ये काफ़ी बड़ा पार्ट। एसी कंट्रोल वगैरह आप देखिए, मैक्स एसी को कंप्रेसर मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करता है। बटन को ऑन करने के बाद कूलिंग जल्दी होती है। तो सभी बटन वगैरह दे रखे हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है यहाँ पर। बहुत ही स्मूथ आपको 6 स्पीड का गेयरबॉक्स मिलता है। मैनुअल हैंड ब्रेक, छोटे मोटे कप होल्डर यहाँ पर मिलते हैं। काफ़ी बड़ा और डीप आपको ग्लोव बॉक्स मिलता है। कूलिंग वगैरह नहीं मिलेगी इस पर। मैनुअल आईआरएम रहेगा। W2 में यहाँ पर कुछ नहीं मिलता आपको, ना ही कोई वैनिटी मिरर वगैरह मिलता है। तो ये चीज़ है दोस्तों, किसी भी साइड नहीं मिलता। और ये तो कंपेयर करते हैं इसको W4 के साथ। ये जो पोर्शन एग्जैक्टली सेम है W2 और W4 में, कोई फर्क नहीं है। पॉडल लैम्प वगैरह आपको ये देखिए सेम। फ्यूल कैप ओपनिंग सिस्टम है सेम आपको। ऐसे ही लीवर वगैरह मिलता है। हाइट एडजस्टेबल सीट यहाँ पर भी नहीं मिलती आपको। बाकी फीचर अंदर बैठ के दिखाता हूँ मैं। चाबी भी आपको सेम टू सेम वैसी मिलती है जैसे W2 मिल रही थी। ये बटन वगैरह भी सेम है। पैडलॉक स्पेसिंग वगैरह भी सेम टू सेम है। अब यहाँ फर्क है सबसे पहले, अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो इंस्ट्रूमेंट कस्टम एग्जैक्टली सेम मिलता है आपको जैसे W2 मिल रहा था। लेकिन जैसे ये डीजल वाला वेरियंट है दोस्तों, तो ये रिंग वगैरह देख रहे हैं तो सुपरविजन क्लस्टर मिलने लग जाता है आपको W4 के किस में, डीजल वाले वेरिएंट से दोस्तों। तो ये फर्क रहेगा, बाकी फीचर्स वगैरह सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर आपके हेडलाइट कंट्रोल है, यहाँ वाइपर वाशर की है। स्टेयरिंग व्हील यहाँ पर भी सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट को सपोर्ट करता है, टेलीस्कोपिक नहीं रहने वाला है। मैनुअल IRM रहेगा। अगला फर्क क्या है, सनग्लास होल्डर मिलता है। कंसोल लाइटें वगैरह मिलती हैं आपको, देखिए ये सनरूफ मिलती है, हम सब की चाहिए थी। ब्लूटूथ के लिए माइक की कटआउट दे रखा है। और नॉन ड्राइवर साइड वाले सनवाइजर पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है लाइट के साथ। उस पर टिकट होल्डर के तौर पे भी कटआउट दे रखा है दोस्तों। तो ये फ़र्क है इंटीरियर में क्या है। अगर डीजल के साथ लेते हैं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ही फ़र्क है ना, तो ये वाला कंसोल और सनरूफ, ये दो बड़े फ़र्क देखने को मिलते हैं आपको W4 में जो W2 में नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर सनरूफ वगैरह फ़ैन नहीं है ना आप, तो W2 लेना ज़्यादा एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए रहेगा। उसमें आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह, एलॉय व्हील वगैरह अपनी पसंद का लगवा सकते हैं इसी पेमेंट के अंदर, तो गाड़ी आपकी कंप्लीट हो जाएगी एक तरीके से। अगर सनरूफ आपकी पसंद है तो फिर आँख बंद करें और W4 वेरिएंट आप ले सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से वीडियो रहेगा। ये जानकारी आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।